की पहली खबर बस्तर से, जहां कांग्रेस नेता कवासी लखमा और सुशील मौर्य का नोट बांटने का वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने दोनों कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई की है। दरअसल बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा और कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य द्वारा होलिका दहन करने वाली समितियों को 500-500 के नोट बांटने का वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। बीजेपी ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग एक्शन मोड पर आया और कांग्रेस प्रत्याशी लखमा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मौर्य पर FIR दर्ज की है। फिलहाल पुलिस दोनों कांग्रेस नेताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। 24 को कांग्रेस से जो बस्तर लोकसभा के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोगों को पैसे बांटते हुए वो वीडियो सर्कुलेट हुआ था। इस मैटर पे जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एडिशनल कलेक्टर साहब के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराई है कोतवाली थाने में, और उस शिकायत के बेसिस पे कोतवाली थाने में एक प्रथम सूचना पत्र दायर किया गया है जो धारा 188, 171 EC और 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।